हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नक्ष और आप देख रहे हैं ड्रैगन फॉर इंडिया। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, विंटर्स आने वाले हैं और विंटर्स में हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है ड्राई स्किन की। तो मेरे आज के वीडियो में मैं बात करूँगा ड्राई स्किन के लिए कोल्ड क्रीम की। मैं ये कुछ कोल्ड क्रीम्स लेके आया हूँ मार्केट से। ये सबसे ज़्यादा चलने वाले कोल्ड क्रीम्स हैं जो मार्केट में इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। इनमें सबसे पहले बात करें तो ये है इमामी का मलाई केसर कोल्ड क्रीम, ये दूसरा है हिमालय का सूथिंग बॉडी बटर, ये भी एक कोल्ड क्रीम है। ये है पॉन्ड्स का कोल्ड क्रीम, ये भी बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में। ये है निविया सॉफ्ट, ये भी एक कोल्ड क्रीम है। और ये है जॉय का हनी एंड आलमंड, ये भी एक कोल्ड क्रीम है। तो मार्केट से लाने के बाद मैंने इन सबको टेस्ट किया। अगर मैं वीडियो में आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इनको पहले अलग टेस्ट किया और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मलाई केसर क्रीम की। ये क्रीम 30 ml का क्रीम आता है, 4500 रुपये का। ये इसका पॉट होता है कुछ इस तरह का और इसका क्रीम होता है एकदम वाइट कलर का। इसकी फ्रेगनेंस की बात करूँ तो इसका फ्रेगनेंस अच्छा है और ये क्रीम ज़्यादा ऑयली नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे क्रीम की। ये है हिमालय का सूथिंग बॉडी बटर, ये अभी लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। ये भी एकदम वाइट क्रीम है और ये क्रीम जो है एक नॉन ग्रीसी क्रीम है, यानी ये चिपचिपा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, लेकिन इसका फ्रेगनेंस जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं तीसरे क्रीम की। ये है पॉन्ड्स का क्रीम, कुछ इस तरह का इसका ये पॉट आता है। ये भी एकदम वाइट कलर का क्रीम है, इसका फ्रेगनेंस इनमें सबसे अच्छा है, लेकिन ये एक ग्रीसी क्रीम है, यानी एक चिपचिपा होता है और ये एक काफ़ी ज़्यादा ऑयली भी है। अब बात करते हैं हनी एंड आलमंड की, जॉय हनी एंड आलमंड क्रीम। ये क्रीम इनमें सबसे ज़्यादा सस्ता क्रीम है। ये क्रीम 50 ml का क्रीम ये आता है 50 रुपये का, बाकी सब 30 ml के, 45 या 50 के आसपास के हैं, लेकिन ये 50 ml का क्रीम सिर्फ 50 रुपये का है। इसका फ्रेगनेंस बहुत अच्छा है, एक स्वीट सा फ्रेगनेंस है इसमें और ये भी ज़्यादा चिपचिपा नहीं है। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के आखिरी क्रीम की। ये है निविया सॉफ्ट, ये भी एकदम वाइट कलर का क्रीम है और ये इन सब में सबसे कम ऑयली क्रीम है और ये सबसे अच्छा काम करता है। इसका फ्रेगनेंस भी इन सारे क्रीम में सबसे अच्छा है। तो ओवरऑल बात करें तो इन सारे क्रीम में अगर आपको कोई कोल्ड क्रीम यूज़ करना है, जो मुझे पसंद आया वो इन सब में निविया सॉफ्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद नंबर आता है हिमालय सूथिंग बॉडी बटर का, ये भी क्रीम काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई सस्ता कोल्ड क्रीम लेना चाहते हैं या आपके घर में बहुत ज़्यादा यूज़ है कोल्ड क्रीम का, तो आप जॉय का हनी एंड आलमंड यूज़ करें, ये सबसे सस्ता और काफ़ी अच्छा कोल्ड क्रीम है। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो निविया सॉफ्ट और हिमालय सूथिंग बॉडी बटर, ये दो क्रीम मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये मुझे इनमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। तो ये था मेरा वीडियो कोल्ड क्रीम का। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ड्रग इन्फो इंडिया। मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अब मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में कुछ नए प्रोडक्ट के साथ, उनको रिव्यू करेंगे, देखेंगे कौन सा अच्छा है उनमें। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ड्रग इन्फो इंडिया।